हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए भी जो फील्ड इंजीनियर फील्ड में वर्क करते हैं ऑन साइट पर, और उन लोगों के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं अर्थात स्टडी कर रहे हैं। दोनों पर्सपेक्टिव से हमारा आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस टॉपिक को हम आपको एक लाइव या पूरे प्रैक्टिकल के साथ भी दिखाऊंगा, आप लास्ट तक उसका वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टैन डेल्टा टेस्ट। दोस्तों, टैन डेल्टा टेस्ट क्या है और क्यों किया जाता है, और इससे जो हम क्या क्या इसके एडवांटेज हैं जिससे कि हमें किस चीज़ का पता पड़ता है, टैन डेल्टा टेस्ट से किस चीज़ को हम मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, टैन डेल्टा टेस्ट क्या है? टैन डेल्टा एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी इक्विपमेंट के जो इंसुलेशन है उसका डिप्रेसिएशन ज्ञात करने के लिए हम टैन डेल्टा टेस्ट करते हैं, अर्थात इंसुलेशन का क्षरण ज्ञात करने के लिए हम टैन डेल्टा टेस्ट करते हैं। अब वो इंसुलेशन आपका क्या है? पोर्सलिन हो सकता है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो सकता है, अर्थात कोई भी इंसुलेट जो चीज़ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, ट्रांसफार्मर की कंडीशन में हमारा ऑयल हो सकता है, इम्प्रेगनेटिंग पेपर जो है वो हो सकता है जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को सेपरेट और उसके में यूज किया जाता है। तो उन सब चीज़ों का हमें समय के साथ उसमें क्या क्या एजिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं वो बदलाव आ रहे हैं वो हम टैन डेल्टा टेस्ट से ज्ञात करते हैं। दोस्तों, एक क्या है, आइडियल कंडीशन में अगर किसी कोई इक्विपमेंट है, अगर हमारा जैसे कि माने कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत अच्छी गुड कंडीशन में किसी का रेजिस्टेंस यही वही रहता है, इंसुलेशन क्या है हमारा रेजिस्टेंस, तो आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं हम इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई प्लेट है और इसमें कोई हमारा मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेशन भरा हुआ है, और ये हमारा जैसे कि कोई पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये हम इन दोनों के बीच, तो यदि हमारा रेजिस्टिंग आर जो इनफाइनाइट होगा तो हमारी क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये कैसे वर्क करेगा एज ए कैपेसिटर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी करंट होगी मान लो एज ये वोल्टेज कंपोनेंट है और ये हमारा करंट कैपेसिटिव करंट और कैपेसिटिव वोल्टेज, तो उस समय हमारी करंट क्या हो रही होगी, 90 डिग्री वोल्टेज से लीड कर रही होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ एजिंग के साथ हमारा क्या है, जो इंसुलेशन है रेजिस्टेंस है जो इंसुलेशन है वो हमारा उसकी वैल्यू कम होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर है 25 साल 30 साल पुराना होने के बाद जो ऑयल है और जो उसमें इंसुलेशन इम्प्रेगनेटिंग पेपर जो यूज़ किया गया है उसका दोस्तों क्षरण यानी कि डिप्रिसिएशन होने लगता है, उसके कारण हमारा क्या है, कोई रेजिस्टिव कंपोनेंट आ जाता है। जैसे कि मान लो हमारा जो प्योर कैपेसिटर जो इंसुलेटर था हमारा, जैसे कि ये बुशिंग है, इससे समझिए, जैसे हमारी ये कोई बुशिंग ले ली है, ये हमारा कोई लाइव पार्ट जो है कंडक्टिव पार्ट है और ये हमारा इसका डेड एंड है, जैसे कि यहाँ पर टेन डेल्टा टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। आइडियल कंडीशन में ये दोनों के बीच यदि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, अर्थात इंसुलेशन हमारा बहुत अच्छा होगा, उस समय केवल हमारा प्योर कैपेसिटिव ये पूरा एक तरीका से कैपेसिटर बन जाएगा, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई यूज करेगा जो इसका आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो हमारा प्योर कैपेसिटर की तरफ वर्क करेगा। लेकिन जैसे समय के साथ क्या है दोस्तों, रेजिस्टिव कंपोनेंट समय के साथ जैसे कि मान लो कोई डस्ट पार्टिकल हो गए, ऑयल का इंसुलेशन वीक हो गया या कहीं से मॉइस्चर आ गया, तो उसके कारण एक हमारा रेजिस्टिव कंपोनेंट आ जाता है जो क्या है, वो रेजिस्टिव करंट हमारी फ्लो होने लगती है। ये IC प्लस IRR था, इसका वेक्टर सम हमारी मान लीजिए कोई रेजिस्टिव कंपोनेंट आ गया जिसके कारण ये हमारी कोई रेजिस्टिव कंपोनेंट करंट बहने लगती है, तो ये क्या है जो डेल्टा एंगल बनता है ये हमारा कहलाता है डेल्टा एंगल या लॉस एंगल, इसे हम लॉस एंगल भी कहते हैं क्योंकि हमारा इस लॉस लॉस हो रहा है उसी के कारण तो आ रहा है, तो इसे हम लॉस एंगल या डेल्टा, और जो हम टेन के टेन डे उसके रूप में निकालते हैं तो इसी को बोल देते हैं हम टेन डेल्टा, और ये टेस्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा टेन डेल्टा टेस्ट। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो हम ट्रांसफार्मर का टेन डेल्टा टेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में क्या है हमारा इंसुलेशन ऑयल रहता है, ऑयल इंसुलेशन के साथ साथ हमारा कूलिंग का भी वर्क करता है,
और जो है हीट ट्रांसफ़र भी करता है। जैसे जैसे ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर हीट होती है बाइंडिंग, तो हीट ट्रांसफ़र का भी काम करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है, और कह सकते हैं हमारा कूलिंग का भी वर्क करता है। लेकिन अब जो एच बी और एल बी हमारी अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग है, उसको सेपरेशन का भी काम जो है सेपरेशन के लिए भी यूज, जो हम ऑयल और इम्प्रेगनेटिंग जो पेपर है उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों उस पर जो हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि 30 25 30 साल पुराने जब ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, तो जो ऑयल है हमारा, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ऑयल है, ये हमारी एच बी मान लो प्राइमरी बाइंडिंग है, और ये हमारी एल बी या आई बी, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एच बी आई बी प्लस एल बी होती है, या एल बी को हम टर्सरी बाइंडिंग बोल देते हैं, और आई बी हमारी इंटरमीडिएट, जो इस हमारी जो मेनली लो बाइंडिंग जो रहती है, जैसे कि 400x220 का कोई ट्रांसफार्मर है, तो 400 हमारी एच बी और 220 आई बी, और उसमें 33 की क्या रहेगी हमारी एल बी बाइंडिंग, तो इसे आई बी कह सकते हैं। तो जो ऑयल है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग को हमारा क्या सेपरेशन का वर्क करता है। तो जब हम टेस्ट इस पर परफॉर्म करते हैं, तो इससे हमारा ये मालूम भी होता है कि हमारा यदि ऑयल और जो इंसुलेशन पेपर है वो सही है, तो 10 डेल्टा की वैल्यू हमारी सही आएगी उस कंडीशन में। एक तो सबसे जो टेस्ट करने का क्या एडवांटेज हुआ कि हम समय के साथ डिप्रेसिएशन, क्या क्या डिप्रेसिन हो रहा है हमारा ऑयल में, कोई मॉइस्चर तो नहीं आ गया, वो सब चीज़ हमको क्या है मालूम होती हैं। और जैसे कि कोई हमारा पेपर इंसुलेशन है वो समय के साथ ख़राब तो नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ मालूम होती है। तो ये आइडियल कंडीशन में दोस्तों वही डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। एच बी को सप्लाई दे दी, एल बी को हमने जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टेस्ट के लिए हमारा एक 10 डेल्टा टेस्ट आता है, जिसका अभी मैं लाइव आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं उसको। मान लीजिए हमने एच बी यहाँ कनेक्ट कर दी और उसकी दूसरी लीड जो रहती है यहाँ कनेक्ट कर दी, अब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें अगर अच्छा इंसुलेशन होगा तो बहुत मिली एम्पियर में करंट हो फ्लो होगी, हमारी जो करंट फ्लो होगी मिली एम्पियर में फ्लो होगी। और जो डेल्टा 10 डेल्टा की वैल्यू, वो क्या वैल्यू है जिससे कि हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छा है या ख़राब है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी हम टेस्ट करेंगे उसमें कनेक्शन किस तरीके से क्या करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एच बी प्लस आई बी प्लस न्यूट्रल, इन तीनों को क्या है हम शॉर्ट कर देंगे किसी बायर से। जी है जो एल्युमिनियम का बार ले सकते हैं आपको एज सूटेबल, या आर्मर्ड बार भी ले सकते हैं, उन तीनों को शॉर्ट कर देंगे और उसका हम ले लेंगे एल बी के साथ या टर्सरी बाइंडिंग के साथ। अर्थात जो हमारी एच बी लीड होगी वो इस पे कनेक्ट होगी, और जो दूसरी हमारी एल बी लीड होगी वो हमारी इससे कनेक्ट होगी। यह हमारा आ जाएगा जैसे कि कोई यू एस टी मोड में अगर हम करते हैं, जो टेस्ट आगे मैं सेट का किट बताने वाला हूँ उसमें ये यू एस टी के लिए हो जाएगा हमारा एच बी प्लस आई बी प्लस न्यूट्रल टू एल बी। दूसरी कंडीशन में यदि इसे जी एस टी मोड में करेंगे तो हमारा क्या है एच बी प्लस आई बी प्लस न्यूट्रल और एल बी प्लस अर्थ। अच्छा, इसको ग्राउंड कर देंगे, इसका मतलब ही है ग्राउंडेड ग्राउंडेड स्पेसिमेंट टेस्ट और इसका अनग्राउंडेड स्पेसिमेंट टेस्ट। तो दोस्तों वो क्या वैल्यू है जिससे हम ये जान सकें कि भाई हमारा इंसुलेशन जो है अच्छा है, या ट्रांसफार्मर है, या सीटी है, सीबीटी है, जो भी इक्विपमेंट हैं कर रहे हैं उनका इंसुलेशन हमारा क्या है? अच्छा है। तो दोस्तों यदि हमारी जो 10 डेल्टा की वैल्यू लेस देन 1% होनी चाहिए, हमारी 10 डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए लेस देन 1, अर्थात एक गुड इंसुलेशन अगर यदि किसी इक्विपमेंट का होगा, इंसुलेशन कोई गुड अच्छा है, चाहे ऑयल हो या और कुछ पेपर हो, तो उसकी वैल्यू जो इस मिसल है 0.4 to 0.9% अर्थात लेस देन 1 यानी कि 0.9, 0.4 से लेकर हमारी 0.9% तक यदि आ रही है तो वो क्या है हमारी एक अच्छी वैल्यू मानी जाएगी। इससे अगर दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं इसको 0.004 से लेकर के हमारा
0.009। दोस्तों ये थोड़ा अब इससे क्या मैं आपको बताऊंगा, यदि हमारी वैल्यू 0.042 लेकर से लेकर के 0.006 है तो ये एक अच्छा माना जाता है कि बहुत ही अच्छा है हमारा। और यदि हमारी एजिंग इफेक्ट, हमारा एज ट्रांसफार्मर 20 25 30 साल पुराना हो गया, 40 साल पुराना है लगभग एज जो हम मानते हैं ट्रांसफार्मर की 40, यदि 25 30 साल पुराना है तो यदि उसकी वैल्यू 0.627 या पॉइंट यदि छोटे 0.67 से 0.8 तक हम कर सकते हैं यार परसेंटेज में, और वैसे यदि वो वैल्यू होगी तो होगी हमारी 0.008 तक। और यदि पावर ट्रांसफार्मर यदि छोटा ट्रांसफार्मर है तो 0.009 को हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा। जनरली में आप ये याद रखिए कि पॉइंट के बाद दो डिजिट यदि जीरो में आ रही है तो हमारा इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है। और दूसरे जो टेक्निकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि लेस देन 1% होना चाहिए, अर्थात 0.42 0.9 0.9 बहुत ज़्यादा पुराना है तब जाकर होगा। और यदि हमारा नया ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए 0.4 0.3 भी आ जाता है 0.2 भी आ जाता है, लेकिन मीडियम में जो 4-5-10 साल पुराना है तो 0.4। ये हमारी एलटेल में 10 डेल्टा मशीन ऑटोमेटिक कैपेसिटेंस एंड 10 डेल्टा टेस्ट सेट, इसके सारे कनेक्शन और कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। होता क्या है, बहुत समस्या आती है जब ये कहीं जाता है तो जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाते हैं, जब तक कनेक्शन सही नहीं होंगे ये हमारा ऑन नहीं होगा। दोस्तों ये पीछे के कनेक्शन हैं इसके, ये येलो और एक ब्लू, ये गार्ड का रहता है, ये फुट स्विच और ये हमारी ग्राउंड, ये लीड जो है ग्राउंड की है, और ये हमारा पावर सप्लाई के लिए। ये जो दो लीड हैं ये अलग अलग अर्थिंग से कनेक्ट होनी चाहिए, एक अर्थिंग हमारी ये कनेक्ट है इस टावर से और दूसरी अर्थिंग हमारी ये है, ये अलग अलग पॉइंट से होनी चाहिए, नहीं तो सेम पॉइंट से होगा तो हमारी मशीन ऑन नहीं होगी। ये हमारी इंटरलॉक स्विच है, ये यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और ये हमारी HB आउटपुट है जो क्या है, जैसे जिसका टेस्ट करना, जो HV केबल हमारी ये HV साइड पर ये है, और दूसरी जो ब्लू हमने लगाई थी वो ये न्यूट्रल वाली बुशिंग पर ये लगी हुई है। ट्रांसफार्मर पर जाता है और ये हमारी एक इंटरलॉक पिन है 12 KV में, अगर 10 KV से करना है तो हमें 12 KV में लगाना पड़ेगा, और उससे यदि कम पे करना है तो इस वाले पॉइंट में। ये हमारा फुट स्टेप स्विच है जिससे हमेशा ऑन कंडीशन में दबा के रखना है। दूसरी चीज ये है, ये जो सप्लाई देंगे फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दी, और ये हमारा तीसरा अर्थ वाला है। हम मशीन ऑन करते हैं, ये हमारी MCV से, इसमें देखिए ये सप्लाई आ गई। इस बोर्ड पर केवल एक इंडिकेशन LB शुरुआत में ये जलना चाहिए, बाकी कोई भी इंडिकेशन नहीं जलना, ओपन ग्राउंड ये जब जलेगा हमारा, अगर फिट स्टेप स्विच में कोई दिक्कत होगी तो देखिए ये ओपन ग्राउंड जल गया, जैसे फुट दबाएंगे ओपन ग्राउंड हमारा चला जाएगा, या ओपन इंटरलॉक यदि ये सही से नहीं लगी होगी तो हमारा तब भी ये ओपन ग्राउंड आ जाएगा। जैसे ही इसे लगाएंगे ओपन ग्राउंड चला गया, इस समय कनेक्शन सही है। एंटर दबाएंगे, पीछे सॉरी हमें मेजरमेंट करना है कैपेसिटेंस, तो ये बंद दबा देंगे। अब हमने ब्लू लीड लगाई थी तो 2 नंबर पर आ रहा है USTB, USTB मोड है तो 2 नंबर दबा देंगे, अगर वाइप में लीड लगाओगे तो 1 नंबर, तो हम 2 नंबर दबा दिए और एंटर कर देंगे।
अब ये जो है एच बी ऑफ है, इसे हम रिलीज कर देंगे घुमा के, ये ऊपर आ गया। अब एच बी ऑन का पुश बटन, ये एच बी ऑन का है, ये दबा दिए, ये लॉक हो जाएगा। ये दबाते ही हमारा देखिए 48 वोल्ट आ गया, इसका मतलब हमारा सही है। अब इसको रिहोस्टेट को घुमाते हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। ये आ गया हमारा 5 kV पर, 5 kV पर लेना है, और फिर हम एंटर कर देंगे। ये 2 बार में रिजल्ट देगा प्री और फाइनल। अभी ये प्री आ गया और दोबारा आवाज़ होगी, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। थोड़ी स्क्रीन साफ से नहीं दिख रही। अब हम ऐसे ही बैक आ जाएंगे तो सबसे पहले एच वी ऑफ कर देंगे और इसे वापस ले आएंगे और एम सी वी को ऑफ कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइनल।